सप्लाई जोन स्टार्ट होगा, देन उसके बाद चार्ट पैटर्न स्टार्ट हो गए। चार्ट पैटर्न के लिए आराम से हमें 10 डेज चले जाएंगे, उसी में आपको फिर मैं इंट्राडे के ट्रेड सजेस्ट करने वाली, मतलब क्लास स्टार्ट होने के बाद आराम से आपको 15 डेज के बाद ट्रेड करना स्टार्ट करना। 15 दिन के बाद मैं आपको पर्सनली कुछ स्टॉक रिकमेंड करूंगी और क्लास अब मैं स्विंग स्टॉक भी रिकमेंड करूंगी, लाइक वो वर्ड ऐसा होगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूंगी, वो वर्ड ऐसा होगा ये स्टॉक ब्रेकआउट को आप जाके देख लेना, वॉच कर लेना, फिर आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, वो ओन आपका डिसीजन है, मैं आके बोल नहीं सकती, आप कैपिटल इन्वेस्ट ही कर लीजिए। उसमें मैं स्टॉप लॉस भी बताऊंगी, टारगेट भी बताऊंगी, डेफिनेटली 5% का टारगेट होगा एंड मिनिमम 3% का स्टॉप लॉस होगा। लाइक आप बोलोगे मतलब क्या इसका क्या, लाइक आपका टारगेट हिट होता है तो 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हो, एक राउंड फिगर लिया मैं सबको समझ में आने के लिए, आप फिर उसके अकॉर्डिंग कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको एक तो 5000 का बेनिफिट होगा, अदरवाइज 3000 का लॉस होगा, उसके बाद कितना आगे का ट्रेल करके हम जर्नी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हो हम प्राइस एक्शन के क्लास में देखेंगे, स्टॉप लॉस क्या होता है प्राइस एक्शन के क्लास में देखेंगे, टारगेट कैसे लेना इंट्राडे में स्टॉप प्राइस एक्शन के क्लास में होगा, स्विंग के लिए कैसे टारगेट लेना है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पोजीशन बीटीएसटी इतने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, उसमें किस टाइप के हमें टारगेट लेने, किस टाइप के हमारे स्टॉप लॉस होने चाहिए, किस टाइप के हमारे कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, बहुत लोग मुझे क्लास ज्वाइन करने से पहले एक क्वेश्चन किया, अब मार्केट से डेफिनेटली पैसे कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं आप लोग पैसे, बट जो क्लास में फॉलो करने के लिए बोला जाता है ना तो आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आपने मिस कर दिया तो गारंटी के साथ बोलती हूँ, जितना गारंटी के साथ मैंने बोला हाँ उतना ही गारंटी के साथ ना ही बोलती हूँ, आप लॉस ही करोगे। इससे बेटर है फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेस्ट है, या वो भी बेस्ट नहीं लग रहा तो फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो 5-7% में खुश रहिए, इन पे मार्केट में लॉस करने से बेटर है। तो इसलिए क्लास में जो जो बोला जाएगा वो डेली का डेली आपको कंप्लीट करना, इनकेस कोई आपकी इमरजेंसी या आप वर्किंग है नहीं कर पा रहे हो नेक्स्ट डे कर सकते, ठीक है। डेली आपको 1 आवर्स देना है क्लास के बाद, क्लास को 1 आवर्स एंड देन क्लास के बाद 1 आवर्स, क्योंकि देन हमारा जब भी चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक स्टार्ट होगा मैं डेली आपको 50 चार्ट करने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा आप 500 चार्ट भी करने स्टार्ट करोगे, बट इनिशियली 50 से स्टार्ट करना, 50 से एक भी मुझे कम नहीं चाहिए, लाइक 49 भी नहीं चाहिए, ठीक है, 49 भी नहीं है। जिन्होंने 50 चार्ट नहीं किए उनको फिर रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा कि लॉस ही होता है मार्केट में, ठीक है। देन आते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट फिर प्राइस एक्शन के बाद अगेन जो इंट्राडे के लिए मेरा खुद का पर्सनल सेटअप है, मैं पर्सनली इंडेक्स में यूज करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, वो लास्ट में जैसे कि पर्सनल स्ट्रेटजी में हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके अक्षय, क्या है कि इंडिकेटर हो जाएगा हमारा, इंडिकेटर में अगेन जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो भी हो जाएगा, अगेन मेरा उसमें भी पर्सनल सेटअप उसमें भी, ओके डोंट वरी आपका हो जाएगा, डोंट वरी टेंशन मत लीजिए वर्षा रानी, ओके। जैसे कि अगेन उसके बाद आपका इंडिकेटर हो जाएगा, इंडिकेटर में इम्पोर्ट इनिशियली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर नहीं वो हो गए, उसके बाद लास्ट में हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जिसके साथ हमारे पर्सनल सेटअप बना के रखे, और पर्सनल सेटअप मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जिसके साथ हमारे पर्सनल सेटअप बना के रखे, और पर्सनल सेटअप का मीनिंग है लास्ट 2.5 ईयर से यूज हो रहा है, जैसे कि उसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 85% के ऊपर है, मतलब आप 10 ट्रेड करोगे तो 1 या 2 का मोस्टली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एक्यूरेसी ज्यादा है। उसके बाद फिर हमारा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्लास, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट, शेयर मार्केट में कितने पैसे आने चाहिए आपके अकाउंट से, कितना लॉस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ओके वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज आने के बाद भी लॉस का फैक्टर जो होता है ना वो हमें मैनेज करना पड़ता है, एंड प्रॉफिट का फैक्टर मैनेज भी करना पड़ता, दोनों भी फैक्टर हमें मैनेज करना पड़ता, देन ही हमारा अकाउंट मंथ एंड में पॉजिटिव रहता है या ग्रीन रहता है, अदरवाइज हमारा अकाउंट नेगेटिव में रहेगा, तो उसके लिए बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। कभी कभी ये सब करने के बाद भी आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे मैटर करती है, साइकोलॉजी मतलब फियर लगता है, आप ओवर थिंक करने स्टार्ट कर जाते हो, देन आपको डर लगता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, इंट्राडे में ये फियर एंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा होता है, स्विंग में ये फियर बहुत कम होता है, ठीक है। देन जैसे कि आपको फिर आपके एज के हिसाब से बोला जाएगा, क्लास होने के बाद मुझे सबने एज भी बोलना है, फिर उस एज ग्रुप के हिसाब से कितनी आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जैसे कि नाउ आई एम 27 ईयर,
ठीक है, तो जैसे कि मेरी इन्वेस्टमेंट 80% होनी चाहिए मार्केट, जस्ट 20% बाहर कहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फिर मैं रिस्क ज्यादा ले सकती हूँ। बट कोई ऑलरेडी 50+ है तो वो मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके रिटायरमेंट के नियर आ चुका है, तो मार्केट में उसको रिस्क नहीं ज्यादा लेना है, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली रिस्की है, डेफिनेटली रिस्क। मेरे पास जो बुक्स है वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में है, बट जो मैं आपको ऑडियो फॉर्मेट में देने वाली हूँ उसमें से सब नहीं रीड किए तो भी चलेंगे, जिनको फुल टाइम ट्रेडिंग में जर्नी बनाना है उनके लिए सब रीड करना कंपलसरी। लास्ट 2 ईयर में मैंने पर्सनली सब रीड किए, तो उससे आपको नॉलेज ही गेन होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए ऑडियो बुक है, आप वो रीड कर सकते हैं। सिर्फ देन उसके बाद में जीरोधा वर्सेस सैटरडे मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर कर देती हूँ। और क्लास होने के बाद 40 डे के बाद अगेन आपको 3 मंथ्स में जो रिमेनिंग बुक्स हैं जो मैं पर्सनली रीड करके मुझे लग रहे यूजफुल है तो उस समय, ठीक है, तो ऐसे आपको 3 मंथ्स के सपोर्ट में टोटली मिल जाएगा। अभी कल से हमारा